हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 17 एंड द चैप्टर नंबर 17 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उससे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको अंडरलाइन करनी है वर्ब्स इन सेंटेंसेस में। ओके, तो चलिए अभी तक हमने करी है प्रीवियस चैप्टर्स में वर्ब्स। द वेंडर इज सेलिंग ऑरेंजेस। सो क्या है वर्ब यहाँ पर? इज सेलिंग। आई वॉज वेटिंग फॉर द डेंटिस्ट। आई होप यू आर कमिंग टू द मार्केट विद मी। ओके, आई एम वॉकिंग टू स्कूल टूडे। द डॉग्स आर चेजिंग द कैट। गोल्डीलॉक्स वॉज ईटिंग पॉरेज। पॉरेज किसे कहते हैं बच्चों? दलिया को। ओके, सो ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी वर्ब्स। अब हम सीखते हैं क्या होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ वी हैव लर्न दैट वर्ब कैन बी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। वर्ब्स जो होती हैं वो दो वर्ड से बन सकती हैं, राइट? देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। अब एक वर्ब की यहाँ पर दो स्पेशल फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, चलिए। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? यहाँ पर ये येलो बॉक्स आपको देखना है। द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग। वर्ड्स जो बनाए जाते हैं क्या ऐड करके? आईएनजी। ओके, टू द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो ये सिंपल वही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं और उससे जो वर्ड बनता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ओके, जैसे कि आगे चलते हैं। देयरफोर द वर्ड्स सेलिंग, वेटिंग, कमिंग, वॉकिंग, चेजिंग एंड ईटिंग, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। किसकी? सेल, वेट, कम, वॉक, चेज, ईट। ये जो सारी है ना, सेल, वेट, कम, वॉक, चेज एंड ईट, ये है सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर हमें इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो हमने इन्हें क्या बना दिया? सेलिंग, वेटिंग, कमिंग, वॉकिंग, चेजिंग एंड ईटिंग। सो ऑल्सो नोटिस दैट इन द अबव सेंटेंसेस ऑल द आईएनजी वर्ब्स दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आर यूज्ड, यूज हुई है किसके साथ? Is, am, are, was and were के साथ। ओके, सो द वर्ब एम इज आर वॉज वर क्या होते हैं ये हमारे? यस, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दे आर नेसेसरी, ये जरूरी होते हैं बच्चों टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो द वर्ब व्हेन यूज्ड आफ्टर एनी ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब यूजुअली एंड्स विद आईएनजी। सो जो वर्ब होती हैं जो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होती हैं, जनरली उनमें आईएनजी लगता ही है। जैसे एम ईट, तो एम ईट नहीं होता, क्या होता है? एम ईटिंग। ओके, वर स्लीप, वर स्लीपिंग, इज मीट, इज मीटिंग, वॉज सिंग, वॉज सिंगिंग। और एम किसके साथ यूज होता है? मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी बताया है ना बच्चों, एम यूज होता है वाई के साथ। ओके, सो ए एक्सरसाइज करते हैं हम। यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को और सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब्स को। ओके, सम सेंटेंस डू नॉट हैव एन आईएनजी, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट देम। वी वेंट बाय बस यस्टरडे, इसमें कोई आईएनजी वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। और हमें अंडर करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। साधना इज पेंटिंग, पेंटिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ पेंट। ओके, और हेल्पिंग वर्ब को हमें सर्कल करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी बच्चों? इज। ओके, आई एम गोइंग टू वर्क टूडे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी? एम। और प्रेजेंट पार्टिसिपल? गोइंग। वेरी गुड। राम एंड लक्ष्मण वर रनिंग अराउंड द फील्ड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल? रनिंग। माई मदर एंड मिसेस अग्रवाल आर टॉकिंग। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? आर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल? टॉकिंग।
आई सेट इन द हॉस्पिटल फॉर 2 आवर्स यस्टरडे. अब आप बताइए मुझे क्या इसमें कोई ing verb की फॉर्म है? नहीं है. सो वी विल क्रॉस अगेंस्ट them. रीराइट द सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द इटैलिक पार्ट विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो मैं यहाँ पर इवन पार्ट कर रही हूँ और आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं बच्चों ऑड पार्ट करने के लिए. सो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड वन से. ओके, सो सिंस वी वॉच द न्यूज एवरी डे वी नो वॉट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. सो सिंस वी आर वॉचिंग द न्यूज एवरी डे we know what's going on in the world. Okay, fourth one, the dog is wagging its tail and bit the and biting the postman. Okay, chalo sixth one, he was a good boy and helped his mother in the kitchen. He is a good boy and helping and is helping his mother in the kitchen. Okay, now bacho I want ke jo first third aur fifth hai ye aap log try kare homework mein karne ka. Okay, chaliye chalte hain agle page par. Fill in the blanks with the present participle form or the past form of the verb given in brackets. Vidya and Meera are studying for the examination. They studied. Okay, past form भी हमें लिखनी है. They studied till 9 o'clock last night. तो study का present participle हो जाएगा studying और past form क्या हो जाएगी studied. We are dash classical music. We are learning. We were dash an interesting film yesterday. We were watching. क्योंकि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ इस एम आर वॉज वर जनरली हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते ही लगाते हैं. अनिरुद्ध एंड हिज पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग टू दार्जिलिंग दिस समर. ओके, विवेक इज डैश अस टू हिज बर्थडे पार्टी. विवेक इज इनवाइटिंग अस टू हिज बर्थडे पार्टी. लीना इज सिंगिंग at Vivek's party today. I am going to attend the party. Okay, now my uncle is writing a book. He wrote 2 years ago. 2 साल पहले की बात हो रही है और हमें जहां जरूरत है वहां past form भी बनानी है. सो राइट की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? रॉट. ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म को फिल करेंगे. सो बच्चों आई होप कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अब आपको क्लियर हो गई होंगी. वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और उसे लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी हैं. अदरवाइज उसके बिना सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आता. सो टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.